हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2020 BS6 टाटा टियागो XZA AMT वेरिएंट। जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 6.33 लाख एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 7.13 लाख। कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 2 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। हेडलैम्प यूनिट में प्रोवाइड किया गया है हेलोजन बल्ब और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नीचे आपको क्रोम में फॉग लैम्प और पियानो ब्लैक फिनिश हाउसिंग में फ्रंट ग्रिल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश और ट्राई एरोसेप डिजाइन में, बीच में टाटा का लोगो, नीचे दिया गया है क्रोम लाइनिंग और नीचे एयर डैम आपको मिलने वाले हैं ब्लैक कलर के ही। जहां तक साइड प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकपर्सन स्टड विद कोयल स्प्रिंग एंड रियर में दिया गया है ट्विस्ट बीम विद कोयल स्प्रिंग और यहां पे 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है ड्यूल टोन में सिल्वर कलर के। व्हील साइज है 175/65R14 और यहाँ पे आपको ORBM की बात करें तो दिया गया है बॉडी कलर और LED टोन इंडिकेटर के साथ विच इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। विंडो लाइन पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो यहाँ पे लेंथ दिया गया है 3765 mm, विड्थ 1677 mm, हाइट 1535 mm, व्हील बेस 2400 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, बूट स्पेस 242 liters एंड फ्यूल टैंक दिया गया है 35 liters। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके टेल लैम्प यूनिट की। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे लुक दिया गया है जो कि हूबहू LED टेल लैम्प से रिजेंबल करता है, हालांकि ये LED टेल लैम्प नहीं है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और टेल गेट पे टियागो की आपको ब्रांडिंग यहाँ पे दिखने वाली है और यहाँ पे टाटा का लोगो, बहुत ही शानदार इसका टेल लैम्प यूनिट। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, दोनों ओर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्प्रेड्स दिए गए हैं और यहाँ पे डीफॉगर और रियर वाइपर भी प्रोवाइड किया गया है और इसमें आपको ड्यूल टोन रियर बम्पर प्रोवाइड किया गया है जिसके ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और बहुत ही शानदार इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो हमेशा की तरह इसके फ्रंट डोर से स्टार्ट करते हैं। चलो ओपन कर लेते हैं और बात करते हैं इसके फ्रंट डोर की। तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड बीज कलर के कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फ्रंट डोर पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं पावर विंडो के कंट्रोल और ग्रैब हैंडल पे मिलते हैं पियानो ब्लैक फिनिश। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और डोर लॉक्स पे आपको क्रोम गार्निश दिया गया है। ORBM के कंट्रोल यहां पे प्रोवाइड किया गया है विच इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल इन दिस वेरिएंट। और यहां पे आपको स्पीकर दिया गया है और 1 लीटर का बोटर होल्डर थोड़ी सी जगह। और इसके अलावा इसके ए पिलर पर आपको मिलते हैं ट्विटर्स। और चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपोस्ट्री ट्राई एरोसेप्ड डिज़ाइन में प्रोवाइड किया गया है और फ्रंट में दिया गया है आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चलिए बात करते हैं इसके डैशबोर्ड लेआउट की, तो कुछ इस तरह रहने वाला है। एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी शानदार और प्रीमियम लगता है इसका डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही शानदार। ड्यूल टोन में दिया गया है ब्लैक एंड बीज कलर में। और चलिए अब इंटीरियर में बैठ के देखते हैं और बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आपको 3-स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है और जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल और राइट साइड कुछ भी कंट्रोल नहीं दिया गया है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह डिजिटल आपको मिल जाती है जिसमें ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्टोरेज और 2 कप होल्डर और इसके साथ ही 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन AMT गियर बॉक्स में। और उसके अलावा आपको उसके आगे स्टोरेजेस देखने को मिलता है और स्टोरेज के ठीक ऊपर आपको 12 वोल्ट का चार्जर और USB पोर्ट यहां पे प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यहां पे दिया गया है और मीडिया के कंट्रोल और यहां पे बहुत ही शानदार 7 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और पियानो ब्लैक फिनिश साउंड दिया गया है और AC विंड में आपको मिलते हैं क्रोम फिनिश। चलिए अब बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की, तो काफ़ी लार्ज ग्लोव बॉक्स इस सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है टाटा टियागो में। इसमें आपको ट्रे भी प्रोवाइड किया गया है और AC विंड के चारों तरफ दिया गया है आपको
क्रोम फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें सनवाइजर पे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, बीच में आपको कैबिन लाइट नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन के लिए स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की, तो हमेशा की तरह पहले बात करते हैं हम रियर डोर की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन ब्लैक एंड बीज कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फ्रंट डोर की तरह। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है पावर विंडो के कंट्रोल और ट्विटर, यहाँ पे क्रोम गार्निश दिया गया है और नीचे दिया गया है आपको स्पीकर और 1 लीटर का बोटर होल्डर। और रियर कैबिन में आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह मिलने वाले इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, फैब्रिक अपोस्ट्री पे आपको ट्राई एरोसिव टेक्सचर देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके रियर सीट से। अगर हम फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट इस वेरिएंट का कुछ इस तरह दिखने वाला है, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर यहां पे प्रोवाइड किया गया है टाटा टियागो XZA वेरिएंट में। और जहाँ तक इसके लेग रूम हेड रूम की बात करें तो सबसे पहले लेग रूम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह रहने वाली है और हेड रूम भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 जने आराम से बैठ सकते हैं और बीच में आप एक छोटा बच्चा बैठा सकते हैं। चलिए अब बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट ओपनर लीवर, जिसे हल्के से पुल करके इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितनी जगह आपको मिल पाती है। और इसका बूट गेट ओपन करते हैं और इसमें टोटल आपको 242 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है और लेफ्ट साइड टूल किट रखने का जगह भी दिया गया है। और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं इसके अलावा पार्सल ट्रे जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसमें जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया गया है 14 इंच के स्टील व्हील। और चलिए बूट गेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे दिया गया है आपको ग्रैब हैंडल बूट गेट पे ही, जिसे आप ग्रैब करके इसे क्लोज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबाटोन पेट्रोल इंजन। जहां तक पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 84 BHP की पावर 6000 RPM पे एंड 113 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है 3300 RPM पे। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी इसमें क्लेम करती है 23.84 km की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, डे नाइट IRVM, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों 2020 VS6 टाटा टियागो XZA AMT वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।